उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में बिजली कर्मियों की हड़ताल से निपटने के लिए डीएम मनोज कुमार ने अनोखी पहल शुरू की है। सभी विद्युत उपकेंद्रों में मजिस्ट्रेटों की तैनाती की है। पुलिस ने टेक्निकल अधिकारियों, रिटायर्ड कर्मियों को विद्युत आपूर्ति सुचारू रखने की जिम्मेदारी सौंपी है। विद्युत सब स्टेशन में सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण जिला अधिकारी की मौजूदगी में दिया गया है। 14 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। विद्युत कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार जाने से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से निपटने की तैयारियां जिला प्रशासन ने कर ली है। डीएम मनोज कुमार ने आमजन मानस का ख्याल रखते हुए विद्युत आपूर्ति में कोई परेशानी न हो 3 दिसंबर 2022 को समझौता हुआ। पहले हमने जो हड़ताल की थी नवंबर में, उस पर समझौता ऊर्जा मंत्री माननीय से हुआ था। उन्होंने लिखित में समझौता किया था कि आपकी ये मांगें, कुछ मांगों को उन्हें टाइम दिया 15 दिन, किसी का 10 दिन, किसी का 1 महीना। हम लोगों ने उसको स्वीकार किया और ये विश्वास के साथ कि जो समझौता हुआ है वो लागू हो जाएगा। उसमें कुछ मुद्दे थे ऐसे जो सहमति उन्होंने दी थी। संध्या कर्मियों के बारे में एक रखा गया था कि 8,000 का वेतन दिया जा रहा है इनको, जिसमें ये 3,000 का हर महीने पेट्रोल में खर्च कर देते हैं। भली भांति पूरी जनता परिचित है कि ये स्टाफ काम कर रहा है। एक्चुअली दिसंबर में विभाग में कुछ ऐसे काम हो रहे थे जो मतलब कर्मचारियों का टोटल शोषण हो रहा था। उसके लिए दिसंबर के शुरू में 3 तारीख को हमारे जो केंद्र के नेतागण हैं उनके बीच और माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष सचिव अवनीश अवस्थी जी और के बीच एक समझौता हुआ था 3 दिसंबर को, जिसमें ये लिखित रूप में कहा गया था कि आप लोग की सारी मांगें 15 दिनों के अंदर मान ली जाएंगी। हमारे यहाँ 13 सेंटर हैं, उपकेंद्र हैं, जहाँ से सप्लाई होती है। उस परिप्रेक्ष्य में जो उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश नियम है उसके आधार पर विभिन्न जो है नोडल अफसर और पुलिस व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और टेक्निकल ऑफिसर्स इसमें अपॉइंटमेंट किए गए हैं। कल से जो बताया गया है कि कार्य बहिष्कार की बात है, लेकिन ऐसा कोई वहां से शासन से प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन उस परिप्रेक्ष्य में आज से ही जो है व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की जा रही हैं जिससे कि विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके।